बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज 19 साल बाद जेल से रिहा होने वाला है। दो शख्स की हत्या के आरोप में नेपाल की जेल में बंद चार्ल्स शोभराज की रिहाई के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। रिहाई के 15 दिनों के अंदर चार्ल्स को फ्रांस डिपोर्ट किया जाएगा। तो आज आपको सिर्फ 19 साल की उम्र में पहली बार जेल की हवा खाने वाले चार्ल्स शोभराज के गुनाहों की कहानी सुनाएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे देवानंद की तरह टोपी पहनने वाला हैंडसम शख्स दुनिया का सबसे शातिर सीरियल किलर बन गया। चार्ल्स शोभराज का पूरा नाम हैदर भोनानी गुरमुख चार्ल्स है। भारतीय पिता और वियतनामी माँ के संतान चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को फ्रांस के साइगोन में हुआ। हालांकि चार्ल्स के माता पिता की कभी शादी नहीं हुई थी। तेज तर्रार दिमाग का मालिक चार्ल्स शोभराज बचपन से ही पढ़ाई से ज़्यादा अपराधों में रुचि रखता था। धीरे धीरे शोभराज बड़ा होता गया, साथ ही बचपन में किए गए छोटे मोटे अपराध भी बड़ी साजिशों में तब्दील हो गए। चार्ल्स पहली बार 19 साल की उम्र में जेल पहुंचा था। तब चार्ल्स ने अवैध तरीके से फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक इमारत में घुसने की कोशिश की थी। अब यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने चार्ल्स शोभराज को फ्रांस का सीरियल किलर बना दिया। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स पेरिस के रईसों के संपर्क में आया और देखते ही देखते चार्ल्स पेरिस की बड़ी पार्टियों में शरीक होने लगा। ऐसी ही एक पार्टी में चार्ल्स शोभराज की मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की का नाम था सेंटाल। धनी परिवार में जन्मी सेंटाल को चार्ल्स शोभराज ने अपने प्यार में फंसाया और सेंटाल के साथ यूरोप छोड़कर एशिया की तरफ अपना रुख किया। फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर चार्ल्स साल 1970 में मुंबई पहुंचा और इसके बाद चोरी, जुआ और तस्करी जैसे अपराध में जुट गया। चार्ल्स शोभराज बड़ी आसानी से नए लोगों के साथ घुलमिल जाता था और बड़ी शातिराना तरीके से नए लोगों को प्रभावित करने में माहिर भी था। शोभराज के लिए जेल पहुंचना आसान था और जेल से निकलना उससे भी आसान था। कभी गड्ढा खोदकर, कभी जेल के गार्ड्स को बेहोश करके, तो कभी जेल में आग लगाकर चार्ल्स शोभराज भागने में कामयाब होता रहा। कोई भी चारदीवारी चार्ल्स को बांध नहीं पाई। चार्ल्स कितना खतरनाक था इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कुछ आंकड़े सुनिए। देवानंद की तरह टोपी पहनने वाले इस शख्स ने अपनी आकर्षक शख्सियत का इस्तेमाल कर 12 से 25 लोगों की हत्या की। 1975 में एक अमेरिकी पर्यटक और उसकी कैनेडाई गर्लफ्रेंड की हत्या हुई। आरोप चार्ल्स शोभराज पर लगा और हत्या के 28 साल बाद यानी साल 2003 में चार्ल्स शोभराज को काठमांडू के एक कसीनो से गिरफ्तार किया गया। चार्ल्स शोभराज को 20 साल की सजा सुनाई गई। तब चार्ल्स की उम्र 59 साल थी। 2008 में जेल में शोभराज ने नीता बिस्वास से शादी की जो उससे 44 साल छोटी है और उसके नेपाली वकील की बेटी है। और अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 78 साल की उम्र में चार्ल्स शोभराज जेल से रिहा होने वाला है। AFP के रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चार्ल्स शोभराज को लगातार जेल में रखना कैदी के मानव अधिकारों के अनुरूप नहीं है। अगर उसके खिलाफ जेल में रखने के लिए कोई अन्य मामला लंबित नहीं है तो यह अदालत उसकी रिहाई और 15 दिनों के भीतर अपने देश लौटने का आदेश देती है। इस खबर को लिखा था आपके लिए मेरे साथी भानु ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया असद ने। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए द लल्लन टॉक।